सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ Realme X9 Pro के बारे में कि वो स्मार्टफोन कब लॉन्च होने वाला है और उसकी प्राइस क्या होगी और उसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने मेरी टॉप 3 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे इस वीडियो के देखने के बाद ज़रूर जाकर देखिएगा। उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके बताइए कि वो वीडियो आपको कैसी लगी और वो उनमें से आपको कौन सा स्मार्टफोन करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, Realme X9 Pro के अंदर आपको 6.55 इंच की Samsung A3 सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि बहुत ही बढ़िया होने वाली है, जिसके अंदर आप अगर ज़्यादा वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं तो आपकी जो डिस्प्ले विजिबिलिटी है और अच्छी होने वाली है, जिससे आपको जो कलर्स दिखेंगे उसके अंदर बहुत अच्छे दिखेंगे। और इसके साथ आपको इसके अंदर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, जिससे आपका जो स्मार्टफोन है और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। और इसके अंदर आपको वहीं कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास पाइप का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। अगर आपका फ़ोन स्मार्टफोन गिर जाता है तो उससे मतलब कि आपके फ़ोन में कोई भी मतलब कहीं से भी टूटेगा नहीं, कोई मतलब स्क्रीन ब्रेक नहीं होगी उसकी। और इसके अंदर आपको LPDDR4X का रैम टाइप मिलती है और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप भी देखने को मिलती है। और अगर मैं इसके पीछे की तरफ कैमरा सेटअप की बात करता हूँ तो इसके अंदर Realme ने दिया है अपना पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसके अंदर दोस्तों 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम कैमरा। दोस्तों, आपको ये तीनों कैमरे आपको इसके फ्रंट रियर साइड पर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर दोस्तों बहुत ही बढ़िया आपका जो फोटो क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी होने वाली है। और वहीं दोस्तों, इसकी जो मतलब कि अगर वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे तो इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी होने वाली है। और वहीं दोस्तों, मैं अगर इस मोबाइल के फ्रंट कैमरे की बात करता हूँ तो इसके अंदर आपको फ्रंट की तरफ 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, जिससे दोस्तों अगर आप वीडियो कॉलिंग करते हैं या फिर मतलब कि सेल्फी लेते हैं या फिर आप अगर आप कोई सी मीटिंग करते हैं गूगल मीटिंग, जैसे कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें आपका वर्क फ्रॉम होम चलता है तो उसमें आप गूगल मीटिंग करते हैं या फिर मतलब मीटिंग करते हैं कोई सी भी, तो आपको इसके अंदर जो पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगी, जिससे आपकी जो सेल्फीज है या फिर वीडियो है या फिर कोई सी भी आप मीटिंग करते हैं तो उसमें आपको जो पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी उसके पिक्सल्स बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगर इसके प्रोसेसर की बात करते हैं हम, तो इसके अंदर आपको मतलब कि दोस्तों स्नैपड्रैगन का 870 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसकी दोस्तों परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया होने वाली है, जिससे आपका जो गेमिंग है और भी अच्छी हो जाएगी। अगर ज़्यादा आप गेमिंग करते हैं तो आप हाई सेटिंग्स पर भी इस मोबाइल के अंदर गेमिंग कर सकते हैं और आपको बीच में कोई भी लैग या दिक्कत नहीं आने वाली इस मोबाइल के अंदर। और दोस्तों, वहीं इस मोबाइल के अंदर आपको पीछे की तरफ 4500 mAh की बिग बैटरी देखने को मिलेगी, ऐसा बताया है। और दोस्तों, ये बैटरी आपकी एक दिन आराम से चलेगी अगर आप ज़्यादा यूसेज करते हैं, और अगर कम यूसेज भी करते हैं आप तो 2 दिन तो ये बैटरी आराम से चलने वाली है। और इसे चार्ज करने के लिए Realme ने दिया अपना सुपर बुक 2.0 फास्ट चार्जर, जिससे आपका मोबाइल जल्दी चार्ज हो जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर, ऐसा बताया जा रहा है। और दोस्तों, ये मोबाइल एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड है और इसके अंदर आपको Realme UI 2.0 देखने को मिलता है। और दोस्तों, अगर इसके रैम वेरियंट की बात करते हैं हम, तो इसमें आपको 12 GB की रैम देखने को मिलेगी और 128 GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रैम टाइप इसके अंदर LPDDR4X रैम टाइप देखने को मिलती है और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है। दोस्तों, ये स्मार्टफोन जल्दी शायद से जून या जुलाई में लॉन्च हो सकता है, शायद तक एंड तक जून में लॉन्च हो जाएगा, नहीं तो दोस्तों शुरुआत में ही जुलाई में लॉन्च हो जाएगा ये स्मार्टफोन। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो Realme X9 Pro के बारे में कि ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होगा और इसकी प्राइस क्या होने वाली है और इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं आपको। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कराए तो यहाँ पर दोस्तों इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं अपने न्यू वीडियो के अपडेट्स देता रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये स्मार्टफोन कैसा लगा। दोस्तों, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन से न्यू टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन से न्यू गैजेट पर वीडियो चाहिए और कौन से न्यू टेक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक बड़ी ईशान।